वेलकम टू क्वेडल। दोस्तों, आज हम 5 जासूसी और मजेदार पहेलियां सॉल्व करेंगे। पहली पहेली, राम अपने अंकल से मिलने उनके घर जाता है। अंकल पूछते हैं, राम कैसे आना हुआ और पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी? राम कहता है, आपके कंप्यूटर से कुछ सॉफ्टवेयर्स लेने थे और पढ़ाई तो ठीक ही चल रही है, बस प्रॉब्लम है इंग्लिश स्पीकिंग में। मैं इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं हूँ, क्या करूँ? अंकल कहते हैं, बस इतनी सी बात, तुम कैम्बली ऐप यूज करो। यहाँ पर US, कैनेडा और भी वेस्टर्न कंट्री से ट्यूटर 24/7 अवेलेबल होते हैं। अपने फ्री टाइम में इसे कभी भी यूज करो। देखो, मैं करके दिखाता हूँ। हेलो सर। हाय सर, कैन यू हेल्प मी सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोरकास्ट? Forecast. Forecast is to predict or estimate something. It's normally used in the news for weather forecasts. Thank you very much, sir. It was nice talking to you, sir. You too. Have a good day. Thank you, sir. Bye. देखा? हाँ अंकल, मैं तो इस ऐप को आज ही डाउनलोड करके यूज करूंगा। मैं अभी कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर लेके आता हूँ। राम अंदर जाता है। राम जब कंप्यूटर ऑन करता है तो उसमें पासवर्ड लगा होता है। उसे समझ नहीं आता कि पासवर्ड क्या हो सकता है। तभी उसे टेबल पे एक पेपर दिखता है। उसमें लिखा है, 1 जग, 2 ग्वावा, 3 मैंगो, 4 अनियन, 5 बलून और 6 कॉटन। राम इसे पढ़कर थोड़ा सोचता है और उसे पता चल जाता है कि पासवर्ड क्या है। दोस्तों, आखिर पासवर्ड क्या था? क्या आप समझ पाए? आंसर हमें कमेंट में बताएं। पासवर्ड था जुनून। 1 जग यानी जग का फर्स्ट लेटर जे, 2 ग्वावा यानी ग्वावा का सेकेंड लेटर यू, 3 मैंगो से एन, 4 अनियन से ओ, 5 बलून से ओ और 6 कॉटन से एन, तो बन गया जुनून। अगली पहेली ये अर्पित श्रीवास्तव ने भेजी है। ऐसा क्या है जो दुनिया में सबसे तेज चलती है? आंसर जरा सोचकर बताइएगा। आंसर है हमारा दिमाग। हमारा ब्रेन इतना फास्ट है जिसके मदद से हम कुछ भी कर सकते हैं, जिसकी कोई लिमिट नहीं है। और इस चैनल पर हम उस ब्रेन को ही डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ये योगेंद्र सिंह ने भेजी है। ऐसा क्या है जो वीक में 2 टाइम्स, ईयर में 1 टाइम और मंथ में 0 टाइम्स आता है? क्या आप बता सकते हैं इसका आंसर? आंसर कमेंट कीजिए। आंसर है लेटर ई। ई वीक वर्ड में 2 बार आता है, ईयर में 1 बार और मंथ में तो ई है ही नहीं। एक आदमी ने गाड़ी से एक लेडी को टक्कर मार दी और वहां से भाग गया। वहां से डिटेक्टिव आकाश जा रहे थे तो लेडी ने डिटेक्टिव को ये बात बताई। डिटेक्टिव जब थोड़ा आगे गए तो उन्हें वहां एक गाड़ी दिखी, तो उन्होंने उस आदमी से कहा, चलो पुलिस स्टेशन, तुम्हें हिट एंड रन केस में अंदर ले जाया जाएगा। तब वो आदमी कहता है, हिट एंड रन, मैं तो आज बाहर गया ही नहीं, मैंने किसी को भी टक्कर नहीं मारी। डिटेक्टिव उसके पास गए और जाते ही समझ गए कि वो झूठ बोल रहा है।
दोस्तों, डिटेक्टिव को उसका झूठ कैसे पता चला? क्या आप समझ पाए? डिटेक्टिव जब उस आदमी के पास गए तो वो इंजन हुड के पास भी आ गए और उन्हें वो गरम लगा, जिससे उन्हें पता चल गया कि वो आदमी झूठ बोल रहा है। वो थोड़ी देर पहले गाड़ी ड्राइव कर रहा था। अगली पहेली, अगर आप एक रास्ते से जा रहे हो और आपको वहां एक पैसों से भरा बैग दिख जाए और आपके आसपास आपको देखने वाला भी कोई ना हो, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करोगे? वो पैसे आप घर ले जाओगे या पुलिस को दे दोगे? मेरा आंसर सुनने से पहले आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। वो पैसे किसी की मेहनत की कमाई है, उसे अपने पास रखना तो ठीक नहीं होगा, पर पुलिस को हैंडओवर कर देने से भी इसकी गारंटी नहीं होती कि वो पैसों को ना रखकर सही आदमी तक दे दे। इसलिए बेस्ट ये होगा कि हम पहले बड़े ऑफिसर्स जैसे एसपी या डीएसपी को ये बात बता दें कि हम इस पुलिस स्टेशन में ये पैसे दे रहे हैं, ये सही जगह पर पहुंचे कि नहीं इसे ट्रैक करिएगा। तो हो सकता है सीनियर्स की निगरानी में वो पैसे सही जगह पर पहुंच जाए। आप ऐसी सिचुएशन में होते तो क्या करते? जरूर कमेंट करें। वीडियो पसंद आया तो क्वेडल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। अपनी पहेली हमें इंस्टाग्राम पर या ईमेल करके भेजें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।